Good morning, class. How are you all? Welcome in your social science class. Okay, so as on your screen, you can see that we have seen yesterday chapter number four the air around us. In that, we have discussed air air pollution causes of air pollution and in that we have seen many reasons that why our air get polluted right now in that while air is getting polluted then we have also discussed that that if we will breathe in the dirty air then the air pollution will harm our health and as well as our environment so which kind of harmful effects can be there on our health or on our environment that today we are going to see right so let's begin with harmful effects of air pollution okay now here on the screen you can see harmful effects of air pollution number one it causes damage to our breathing system this meant kijo air pollution ki se when we breathe in the polluted air then the breathing system of ones can be damaged ones means ki द पीपल दो लिविंग इन द एरिया वेयर द एयर इज मच पॉल्यूटेड लाइक इन सिटी और इफ़ वी कंपेयर द हेल्थ और द ब्रीदिंग सिस्टम ऑफ द पर्सन हु इज लिविंग इन द विलेज वेयर द एयर इज लेस लेसर पॉल्यूटेड राइट देन वी विल फाइंड दैट ब्रीदिंग सिस्टम आर मच स्ट्रोंगर इन दिलेज दैन दर सिटीज क्या होता है कि जब हम पॉल्यूटेड एयर को ब्रीद इन करते हैं है, है ना तो वो हमारे पूरे ब्रीदिंग सिस्टम को अफेक्ट करती है मींस हमारे देन द दे, हमारे ब्रीदिंग पाइप्स देन लंग्स एंड ऑल तो ये जो पोल्यूटेड एयर है वो हमारे लंग्स में जा कर के कलेक्ट होती है और उससे हमारे जो ब्रीदिंग सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते हैं अब जो कंपेरिजन की बात हम कर रहे थे तब अगर जो सिटी में पर्सनस रहते हैं जो पीपल सिटी में हैं और जो विलेजेस में तो ये तो हमें पता है कि क्योंकि सिटी में फैक्ट्रीज़ नियर बाय में ज़्यादा होती हैं प्लस वहाँ पर व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं रादर देन विलेजेस तो जो सिटीज़ हैं वहाँ पर एयर ज़्यादा पॉल्यूट होती है रादर देन विलेजेस के विलेजेस में एयर कम पॉल्यूट होती है तो इसलिए हेल्थ इश्यूज भी सिटीज़ में ज़्यादा होते हैं और विलेजेस में कम तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है पॉल्यूशन का ठीक है तो जो पॉल्यूशन है या जो एयर पोल्यूशन है वो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम को बैडली इफेक्ट करती है उसके बाद जो नेक्स्ट होता है दैट इट अफेक्ट्स आर लंग्स तो ब्रीदिंग सिस्टम में हमारे लंग्स भी आते हैं जब हम इन करते हैं एयर को तो वो हमारे लंग्स में ही जाती है ठीक है तो लंग्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है पोल्यूटेड एयर का और इसकी वजह से कई सारी डिसीज़ेज भी हो जाती हैं दोज आर रिलेटेड टू द लंग्स लाइक एस्तमा वीक एंड सफ़र देन द ब्रीदिंग सिस्टम सांस लेने में परेशानी इस तरह की जो दिक्कतें इस तरह की जो डिसीज़ेज हैं वो पोल्यूटेड एयर की वजह से हो जाती हैं और ये सारी क्यों होती हैं क्योंकि लंग्स वीक होते हैं देन द नेक्स्ट वन इज़ इट कॉजेज डिसीज़ेज लाइक कैंसर राइट जी हाँ जो कैंसर है इट इज़ अ बिग डिसीज़ और ये कैंसर होने के पीछे भी एक बड़ा रीज़न पॉल्यूटेड एयर का है तो एयर पोल्यूशन से जो डिसीजेज होती हैं उनमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट है कैंसर ठीक है तो ये कैंसर होने का भी वी कारण बन जाता है इट कॉज डिसीज़ेज लाइक कैंसर नाउ द फोर्थ वन इज़ इट डिस्ट्रॉयज द एनवायरमेंट हाँ अभी हमारे एनवायरमेंट को भी डिस्ट्रॉय करती है डिस्ट्रॉय मीन्स इम्प्योर करती है खराब करती है जब एयर पोल्यूट हो जाती है तो हमारे एनवायरनमेंट पर भी इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है एडवर्स मींस बहुत ही खराब इफेक्ट पड़ता है ठीक है देन द नेक्स्ट वन इट इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से एयर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है इसका लेवल बढ़ जाता है और ये दोनों एयर्स की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है मींस द हाइकिंग ऑफ द टेम्परेचर ओवरऑल वर्ल्ड का अगर एक एवरेज टेम्परेचर लिया जाए तो वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है तो ये इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर इज़ ओनली नोन एज ग्लोबल वार्मिंग जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है ठीक है तो इसका एक बड़ा रीज़न जो है वो एयर पोल्यूशन भी है ठीक है क्योंकि एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारी एयर है जो ऑल अराउंड है हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि एयर का एक बड़ा सा ब्लैंकेट या एक लेयर जो है वो हमारे अर्थ के ऑल अराउंड है उस लेयर ऑफ द एयर को हम ओजोन भी कहते हैं तो ये एयर पोल्यूशन की वजह से जो हमारी लेयर है वो भी थिन हो रही है और उसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ठीक है तो ये हमारे सारे रीजंस हैं जो हार्मफुल इफेक्ट हैं जो एयर पोल्यूशन की वजह से हम पर हमारी हेल्थ पर या एनवायरनमेंट पर पड़ते हैं डन सो दीज ऑल आर द हार्मफुल इफेक्ट्स दैट कॉज ड्यू टू द एयर पोल्यूशन ऑन आर हेल्थ एंड ऑन आर एनवायरमेंट ओके नाउ इफ इट इज़ दैट देन what वी कैन डू फ्रॉम our पार्ट है ना अगर एयर पोल्यूशन हो रहा है तो वो तो फैक्ट्रीज चल रही हैं पीपल डम्प कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं वॉट अ सिंगल पर्सन कैन डू तो दैट वी विल सी हाउ टू चेक एयर पोल्यूशन कि अगर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में रखना है या उस पर चेक रखना है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें ठीक है तो लेट्स सी दिस टॉपिक वी ऑल कॉज पॉल्यूशन इन सम वे और दी अदर वे ऑल ऑफ अस मे थिंक वॉट कैन आई डू टू चेक एयर पोल्यूशन क्या है कि जब हम डिस्कस करते हैं तो हम एयर पॉल्यूशन को पढ़ते भी हैं लोग समझते भी हैं बट स्टिल पॉल्यूशन हो रहा है तो और एवरीबडी से हम क्या कर सकते हैं है ना हमारा रीजन क्या होता है कि हमारे अकेले से क्या होगा हम अकेले क्या कर सकते हैं बट दिस वॉज नॉट लाइक दैट पॉल्यूशन को बढ़ाने में भी अगर एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कम करने में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है अब हम आप सोचेंगे कि मैम हम कैसे पॉल्यूशन कर रहे हैं तो बिल्कुल हमारी वजह से भी पॉल्यूशन होता है देखिए अब आप क्या करते हैं मान लीजिए अभी तो लॉकडाउन है तो आपको बाहर की चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही बट जब होती हैं तब आप क्या करते हो पैकेट्स की चीज़ें एडिबल्स जो होते हैं वो आप खाते हैं घर में भी Uh, जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट से जो हम मटेरियल ख़रीद के लाते हैं हम पॉलीथिन खरीद कर लाते हैं है पॉली बैग्स में जबकि ये टोटली वेरी बैड इट फॉर एनवायरनमेंट जो पॉलीथीन है वो बहुत ही ख़राब इफेक्ट डालता है हमारे एनवायरनमेंट पर तो हमारे जब हम डंप करेंगे मान लीजिए आपने वन पर्सन ने टेन पॉली बैग्स लाया और उसने वीक में टेन ही पॉली को डम्प किया तो एवरी इंडिविजुअल इज डंपिंग टेन देन थिंक अबाउट देशन है ना? तो कितने गार्बेज प्रोड्यूस हुआ तो एटलीस्ट अगर हम नहीं करेंगे तो हम हमारा तो कम कर सकते हैं पार्टिसिपेट देन जैसे डॉप का प्रपोर्शन uh, बढ़ता है तो कम भी हो सकता है इन दैट वे वी कैन एवरी इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट इट now let's discuss on it okay however each one of us can contribute to the cause of reducing pollution dekha chapter is also saying ki hum mein se har koi contribute kar sakta hai pollution ko reduce karne mein jaise ek तरीका तो हम ही ने आपको बताया कि आप जितना हो सके पॉलीथिन का यूज़ कम कीजिए अगर यूज़ कर भी रहे हैं तो री री, री यूज़ करिए उसको रिसाइकल में भेजिए देन इन दैट kind of things you can participate in it. So every individual can participate and reduce pollution and make the world healthier place to live. हम ऐसे हर कोई participate अगर करेगा तो हम अपने world को एक healthy place बना सकते हैं रहने के लिए. Okay. So now let's move to the next one. तो इनमें से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जैसे पॉलिथीन के यूज़ के अलावा तो लेट सी द फर्स्ट थिंग वट यू कैन डू इज फॉर शॉर्टर डिस्टेंस राइड अ बाइक और वॉक रादर देन ड्राइव इन अ कार मान सपोज कीजिए दैट यू वॉन्ट टू गो फॉर फ्रॉम योर होम टू द मार्केट एंड मार्केट इज़ जस्ट नियर बाय यू नियर अबाउट टू हंड्रेड मीटर्स थ्री हंड्रेड मीटर्स सो फॉर दैट मच डिस्टेंस वी कैन वॉक इंस्टीड ऑफ यूजिंग बाइक और कार बाइक और कार है ना तो अगर हम छोटे डिस्टेंस पर जाने के लिए बाइक या कार की जगह वॉक करेंगे या फिर बाइसिकल का भी आप यूज़ कर सकते हो तो अगर आप इसका यूज़ करोगे तो जो स्मोक uh, एमिट होने वाला है आपकी कार या बाइक से वो कम हो जाएगा तो आपने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया यस देन द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक मेट्रो और बसेस इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय योर ओन व्हीकल अब देखिए अगर आप पर एक बस का एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए दस लोग हैं जिन्हें कहीं ट्रेवल करना है दे ऑल विल गो बाय देयर कार्स और बाइक तो क्या होगा दस लोगों को जाना है देन टेन व्हीकल्स विल बी यूज और टेन व्हीकल से इक्वल नंबर ऑफ स्मोक विल एमिटेड है ना अगर दस लोग कहीं बाहर जा रहे हैं दस अलग अलग गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा सिंगल अमाउंट में जो प्रोड्यूस होना चाहिए था स्मोक वो टेन टाइम्स बढ़ जाएगा और अब वही टेन लोग अगर एक व्हीकल का यूज़ कर लें चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या पोल या पूल कर लें गाड़ी को तो दस लोग एक में जाएंगे तो वो टेन विल बी रिड्यूज एट वन है ना तो इस तरह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करेंगे तो देन आल्सो यू कैन कम यू कैन रिड्यूज इट राइट नाउ डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट बाय अवॉइड द मिसयूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी लाइक पुट ऑफ लाइट्स एंड फैंस वेर नॉट इन यूज सपोज यू आर हैविंग फोर रूम्स एट योर रूम एंड ऑल आर टूगैदर एंड वन प्लेस दो रेस्ट ऑल थ्री रूम्स लाइट एंड फैन शुड बी टर्न ऑफ है ना दे शुड नाट बी देयर ऑन तो आप इलेक्ट्रिसिटी का मिस यूज़ होने से रोक सकते हो ड्राई योर क्लोथ्स यूजिंग हीट ऑफ द सन रादर देन इलेक्ट्रिक ड्रायर्स अब अगर मान लीजिए कि आपके क्लोथ्स हैं तो अब आप क्लोथ्स को इलेक्ट्रिक ड्रायर को यूज़ करने की जगह क्या कर सकते हैं सनलाइट में डाल दीजिए तो इलेक्ट्रिसिटी भी बची और आपके आपका पर्पज़ भी सॉल्व हो गया है न तो दैट ऑल्सो यू कैन डू देन द नेक्स्ट वन इज प्लांट मोर ट्रीज एंड प्लांट्स एज दे अब्जॉर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन आपको पता है हम स्कूल में भी ये एक्टिविटी करते हैं प्लांट मोट्रीज ट्रीज और आपकी ये सेवा एक्टिविटी भी है गॉट इट जो सेवा एक्टिविटीज हम करते हैं उनमें से आपकी अब तक के चैप्टर्स की ये एक एक्टिविटी है सेवा एक्टिविटी जिसमें आपको प्लांट मोर ट्रीज करने प्लांट रीज करने से क्या होगा अगर क्योंकि आपको पता है प्लांट क्या ब्रीदिन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड राइट प्लांट्स ब्रीद इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन सो इट मीन्स दे आर ऑब्जॉर् दे आर एब्जॉर्बिंग Carbon dioxide and if they will absorb carbon dioxide then the air will be pured. So plants are very important to control air pollution. So that's why we need to plant more trees. As much we can do. Right? And yesterday also I told if you are not having that much big place, then you can plant small plants, right? In by using washes, right? So that you can do from your part. डो नॉट बर्स्ट क्रैकरस ऑन दिवाली और ऑन एनी अदर सेलिब्रेशन्स अब जब दिवाली पर होता है हमने कॉजेज में देखा कि जो बर्स्टिंग ऑफ क्रैकरस हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है किस में टू इंक्रीज द पॉल्यूशन तो अगर नाउ यू आर द यंगेस्ट वनस है ना सो यू कैन स्टार्ट द न्यू बिगनिंग आप एक नई बिगनिंग कर सकते हो दिवाली पर कैंडल्स जलाइए दिया जलाइए देन स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए बट स्टॉप बर्स्टिंग क्रैकर्स अगर हम क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करेंगे देन इट विल प्रोटेक्ट आर एनवायरमेंट एंड वी कैन वी कैन रिड्यूज एयर पोल्यूशन ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अवॉइड यूजिंग हाउस होल्ड फ्यूल्स एंड गो क्लीनर फ्यूल लाइक कुकिंग गैस अब हाउस होल्ड फ्यूल की जगह क्लीनर फ्यूल का यूज़ कर सकते हैं कुकिंग में मोस्टली हमारे घर में तो हम कुकिंग गैस का ही यूज़ कर रहे हैं बट स्टिल इन विलेजेस देर आर मैनी पीपल इवन इन सिटीज देर आर मैनी पीपल हु यूजेज कोल और वुडन और लाइक कैरेसिन फॉर द कुकिंग तो दीज ऑल थिंग्स विल प्रोड्यूज स्मोक एंड दैट इट विल इंक्रीज एयर पोल्यूशन तो वी नीड टू स्टॉप डूइंग दिस एंड वी शुड यूज क्लीनर फ्यूल लाइक कुकिंग गैस देन द नेक्स्ट वन इज यूज प्रोडक्ट्स विच आर मैन्युफैक्चर क्लोज टू योर होम सो दैट ट्रांसपोर्टेशन इज रिड्यूज हाँ ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज नावेज क्या हो रहा है ऑनलाइन परचेजिंग इज इन वेरी मच फैशन है ना ऑनलाइन परचेजिंग होती है अब ऑनलाइन परचेजिंग में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन होगा मीन्स व्हीकल्स विल बी यूज राइट right? तो इसकी प्लेस पर हम क्या कर सकते हैं जो नियर बाय एरियाज़ में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं हम उनको यूज़ करें या नियर बाय में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हमारे लोकल मार्केट्स में उनको अगर हम परचेस करें तो इससे दो तरह का फ़ायदा होगा एक जो हमारे लोकल सेलर्स हैं उनका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगा और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन कम होगा तो इस तरह भी हम हमारे इन्वामेंट को सेव करने में हेल्प कर सकते हैं क्योंकि एनवायरनमेंट में सिर्फ एयर नहीं आती है बल्कि हमारा पूरा लोकल एनवायरनमेंट होता है जो हमारे ऑल अराउंड है तो इस तरह भी हम हेल्प कर सकते हैं देन डू नॉट वेस्ट वाटर हाँ वाटर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट अलोंग विथ एयर वाटर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट और हमको वाटर को भी प्रोटेक्ट करना है प्रिजर्व करना है फॉर आर फ्यूचर टाइम तो वाटर को भी आपको वेस्ट नहीं करना है आप बाथिंग बेडिंग के लिए जाते हैं तो यू ट्राई टू यूज़ योर शावर है ना आपको शावर में बात करना बहुत पसंद होता है लेकिन शावर से ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है सो दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग शावर यू शुड यूज़ बकेट एंड मग देन ऑल्सो यू कैन डू द सेम है ना आपके घर में पेरेंट्स आप व्हीकल्स को वॉश करते हैं प्लांट्स को वाटरिंग करते हैं तो इन सब चीज़ों में आप वाटर को वेस्ट करने के प्लेस पर आप उसको सेव कर सकते हो इंस्टेड ऑफ वॉशिंग वाइप इट आउट है ना व्हीकल को वॉश करने से बेटर है वाइप कर लिया जाए ऐसे ही प्लांट्स को डायरेक्ट पाइप से वाटर देने की जगह वाटर कैन का यूज़ कर लिया जाए देन वी कैन सेव वाटर एंड वी कैन स्टॉप वेस्टिंग वाटर दैन द नेक्स्ट वन इज़ रीसाइकल पेपर एंड प्लास्टिक बैग्स हम जो प्लास्टिक बैगस हैं उनको हम वेस्ट करने और डायरेक्ट डम्प करने की जगह उनको रिसाइकल कर सकते हैं तो रिसाइकिलिंग से भी हम पेपर को भी पेपर ट्रीज से बनते हैं तो हम ट्रीज को भी सेव कर सकते हैं और प्लास्टिक को अगर हम डंप नहीं करेंगे तो हम पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं तो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट एवरी इंडिविजुअल कैन डू एंड कैन पार्टिसिपेट इन रिड्यूसिंग द एयर पॉल्यूशन ओके सो दीज ऑल ऑल आर द थिंग्स नाउ योर टास्क इज आई आई हैव ऑलरेडी शेयर दिस इमेज यस्टरडे पी डी एफ पेजेस सो यू रीड आउट दीज पेजेस पॉइंट्स and try to recall all the points today read this. Do you know facts? Okay, and then discuss with your parents and involve with them in these kind of activities. Okay, so that's all from my side one more thing. I want to remind you that planting a tree is your seva activity. So if you can plant a tree then click your picture by uh, while planting the tree and send it Okay, so this is from my side for the day. Thank you. Have a nice day and stay safe. Bye bye.